नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। महिंद्रा XUV700 कई सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ लोडेड आती है, जिसमें ऑटोनोमस, इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं। शहर की सड़कों पर भले ही ये फीचर्स काम के ना लगें, पर हाईवेज पर जरूर काम में आ सकते हैं। और साथ ही XUV700 कंबाइंड एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी क्रैश टेस्ट स्कोर में इंडिया की सेफेस्ट कार है। तो अडास के फीचर्स और गाड़ी की मजबूत बिल्ड क्वालिटी रियल लाइफ एक्सीडेंट में भी इस कार को इंडिया की सेफेस्ट कार बनाती है। आज चैनल पर एक ऐसा ही एक्सीडेंट देखने को मिलेगा जहां अडास और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की वजह से पैसेंजर सेफ रहे। ये एक्सीडेंट चैनल के एक छोटे और प्यारे से व्यूअर देवराज ने शेयर किया है और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो में उनका नाम जरूर लूं। सो थैंक्स टू देवराज। ये एक्सीडेंट पारस ठकराल, जिनका यूट्यूब चैनल है पारस ठकराल ब्लॉग्स, उन्होंने अपने चैनल पर शेयर किया था और उनके भैया की XUV700 का यहाँ एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट देखने को मिला। एक्सीडेंट यूपी दिल्ली हाईवे के पास हुआ था, जहाँ XUV700 और मारुति इको की एक 4-लेन हाईवे पर टक्कर हो गई। इस एक्सीडेंट में XUV700 की कोई भी गलती नहीं थी और वो अपनी लेन में सही तरीके से चल रहे थे। दूसरी तरफ इको गलत लेन में रॉन्ग साइड से ट्रैवल करते हुए आ रही थी, जहां इको की स्पीड 100 km/h रिपोर्ट करी गई थी और XUV700 ने करीब 60 meters पहले ही ब्रेक्स लेने शुरू कर दिए थे, पर फिर भी इको के हाई स्पीड में होने की वजह से ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया। XUV700 में सारे एयरबैग्स यहाँ डिप्लॉय हो गए थे और किसी को कोई मेजर इंजरीज नहीं आई। केबिन की हालत पिक्चर्स में इंटैक्ट साफ देखी जा सकती है। इको के ड्राइवर की यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर इको सामने से पूरी ख़त्म हो चुकी है और एयरबैग्स ना होने के कारण ड्राइवर को पॉसिबल है काफ़ी इंजरीज आई हैं। इको के ड्राइवर ने एज रिपोर्टेड काफ़ी ड्रिंक किया हुआ था और एक ड्रंक पर्सन ही इस स्पीड पर एक 4-लेन हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ सकता है। बाकी XUV700 में केबिन की हालत और इंटैक्टनेस ये बात साफ दिखाती है कि क्यों ये कार इंडिया की सेफेस्ट कार है और अडास के फीचर के चलते भी यह एक्सीडेंट का इम्पैक्ट कम हो सका। एंड प्लीज़ कभी भी ड्रंक ड्राइविंग ना करें, क्योंकि आपके साथ साथ ये सड़क पर चल रहे दूसरे लोग के लिए भी खतरनाक हो सकता है। चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।